हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्टो में कैसे पीछे के स्पीकर कनेक्ट करे जाते हैं। आपके पास ऑल्टो 800 हो या फिर ऑल्टो K10 हो या जो भी कार हो जिसमें आगे के स्पीकर होते हैं, पीछे स्पीकर नहीं देती है कंपनी, तो मैं आज आपको बताऊंगा उसमें पीछे के स्पीकर कैसे कनेक्ट करे जाते हैं। मेरे पास ऑल्टो K10 है और मैंने पीछे स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी जो स्टीरियो है कार में उसमें 4 स्पीकर लग भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्टली कार में जो स्टीरियो आता है उसमें 4 स्पीकर लग सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारी जो स्टीरियो है उसमें 4 स्पीकर लग सकते हैं कि नहीं। उसको देखने के लिए आपको चेक करना है कि आपके जो स्टीरियो में फेडर का ऑप्शन है कि नहीं। अगर आपके स्टीरियो फेडर का ऑप्शन दे रखा है तो आपके स्टीरियो में 4 स्पीकर आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मेरी जो स्टीरियो है निपॉन की देती है K10 में, मारुति वाले, तो इसमें बैलेंस है और ये फेडर आप देख रहे हैं F9, इसका मतलब फ्रंट के स्पीकर की जो आवाज़ है मैंने फुल कर रखी है। और जैसे कि अब इसको मैं 0 कर दूंगा तो ये बैलेंस हो गया। स्पीकर जो मेरे फ्रंट के हैं और बैक के हैं दोनों में सेम मतलब अमाउंट की आवाज़ आ रही है। अब जैसे कि अभी मैंने ये रियर पे कर दिया, अब मेरे पीछे के स्पीकर चल रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह आपको पहले चेक कर लेना है कि आपकी जो स्टीरियो है उसमें 4 स्पीकर का फेडर वाला ऑप्शन दे रखा है कि नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टीरियो में 4 स्पीकर कनेक्ट कैसे होते हैं। ये मैं अपने कार के नीचे आ गया डैशबोर्ड के, और ये स्टीरियो का बैक साइड है जो आप देख रहे हो। ये जो सॉकेट है ये वाला, जब अपनी कार आती है जब 2 स्पीकर लगे रहते हैं तो ये वाला सॉकेट ब्लू वाला यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहता है। अब जब हमको 4 स्पीकर लगाने होते हैं तो ये एक्स्ट्रा वायरिंग हार्नेस आती है, मार्केट में मिल जाएगी, ये 100-200 रुपये की आती है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 वायर निकले रहते हैं जो कि रियर स्पीकर के लिए दे रखे होते हैं उन लोगों ने। तो आप सिंपली बस ये हार्नेस लेके आइए और वो अपने स्टीरियो में लगाइए, और जो इसका मतलब ये मेल फीमेल टाइप की हार्नेस होती है, जो उसका मेल पार्ट होता है वो स्टीरियो में लग जाता है, और जो कार की वायरिंग का मेल पार्ट होता है वो इसके फीमेल पार्ट में लग जाता है। तो इस तरह ये कनेक्ट हो जाती है, और इसमें 4 वायर भी मिल जाते हैं स्पीकर के लिए। ये जो इसमें जगह कम है, मैं दिखा नहीं पा रहा ठीक से, ये जो रेड ब्लैक वायर हैं ये दो, ये वाले, ये जो स्पीकर के वायर जा रहे हैं पीछे के, ये इसमें कनेक्ट हैं। इसमें ये टेपिंग हो रही है पूरी, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। बस मैं इतना कहूँगा कि आपको ये हार्नेस लेके आनी है और कुछ भी नहीं करना है बस, और आपका पीछे के स्पीकर दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और ये रेड वायर ऐसे जा रहा है कुछ, ये नीचे आया हुआ है, ये इस तरह से जा रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, ये जो कट लग रहा है मेरी वायर में फ्रंट स्पीकर के, वो लोग रियर स्पीकर को इसमें ही कनेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। ये फ्रंट स्पीकर में नहीं कनेक्ट होंगे, ये स्टीरियो में कनेक्ट होंगे जहाँ पे इसका आउटपुट आता है रियर स्पीकर के लिए। तो आपको ये हार्नेस लेनी है और इसी में कनेक्ट करना है। आपको अगर समझ में ना आया तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जब मैंने ये कनेक्ट करवाए थे स्पीकर तो मैंने फोटो ले लिया था कि किस टाइप की वायरिंग हार्नेस होती है। तो ये जो आप देख रहे हो इतना, ये इतनी वायरिंग हार्नेस आती है, और इसमें ये जो वायर निकल रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये स्पीकर के वायर निकल रहते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होते हैं स्पीकर। और जो मेल फीमेल टाइप की होती है ये, तो जो मेल पार्ट होता है वो यहाँ पे लग जाता है स्टीरियो में, और फीमेल पार्ट जो कार की वायरिंग ये जो आ रही है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरह लग जाते हैं। मुझे पता नहीं था ये सब, तो मेरे से काफ़ी पैसे ले लिए उसने, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कोई ना काटे।
तो आप बस ये सिंपल सी वायरिंग हार्नेस ले आना और आप खुद घर पे ही लगा सकते हो स्टीरियो। स्पीकर में से, स्टीरियो में से जो वायर निकले हैं वो मैं साइड से इससे कवर से दबा के पीछे लेके गया हूँ। और ये वायर आ रहे हैं पीछे जो कि नीचे से, और मेरे दोनों स्पीकर कनेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट पायनियर के स्पीकर हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो स्पीकर लगाओ तो 40 या 45 वाट का ही लगाना, इससे ज़्यादा हैवी मत लगाना, क्योंकि जो स्टीरियो का आउटपुट है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि स्पीकर कैसे कनेक्ट होंगे पीछे के, तो मैं इसका रेस्पॉन्स बताता हूँ कि क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। पीछे के स्पीकर चल तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इसमें स्टीरियो में कोई ज़्यादा अच्छे पावर नहीं है। तो आप इसमें 40 या 45 वाट तक की स्पीकर कनेक्ट करना। मैं RMS पावर की बात कर रहा हूँ, मैं पीक पावर की बात नहीं कर रहा कि आपको 300 या 400 वाट के, 600 वाट के स्पीकर आते हैं। तो आप 40 या 45 वाट के स्पीकर इसमें कनेक्ट करो, काफ़ी अच्छे चलेंगे। और पीछे के स्पीकर लगने से काफ़ी बेस में एनहेंस होता है और आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है। ये अभी मेरे दोनों दिया है कि स्पीकर कैसे कनेक्ट होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो को लाइक करो। गाइस, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉग लैम्प के बारे में बताने वाला हूँ। ये फॉग लैम्प मैं लेके आया हूँ, एंजलाई वाली, ये कुछ इस तरह होती हैं। ये मैं अपनी ऑल्टो K10 में लगाने वाला हूँ, इसकी मैं फुल वीडियो बनाऊँगा स्टेप टू स्टेप। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।